स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हम फेसबुक के थ्रू किस तरीके से हम अपनी ऑनलाइन सेल बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो मैं पक्का श्योर हूँ कि आप भी अपने प्रोडक्ट्स अपनी सर्विसेज को सेल कर पाएंगे फेसबुक के थ्रू। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कैसे कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, वो भी फेसबुक पेज से ही। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप उस पेज को ओपन कीजिए अपने फेसबुक पे जिस पेज पे जिस कंपनी या ब्रांड का आपको प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है, ठीक है। तो जैसे हमारी अभी मीडिया भाई जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं इस पेज पे आ गया हूँ। इस पेज में आते ही देखिए पेज पर ही हमें ऑप्शन आ रहा है गेट मोर ऑनलाइन सेल्स का। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है, मेरा URL आ रहा है वेबसाइट का, ऑलरेडी पेज से ले रहा है और एड अकाउंट आएगा। तो हमारे पास तो बहुत सारे मल्टीपल एड अकाउंट्स हैं, तो मैं कोई सा भी एक चूज कर रहा हूँ। आपका अगर पहली बार बना रहे हो तो एक ही सिंगल एड अकाउंट होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मैंने अपना एड अकाउंट चुन लिया है, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों हमारे पास कुछ एडिट हमें चीजें करनी होंगी। अब जैसे ही मैं यहां पर गया एडिट के ऑप्शन के ऊपर, तो यहां पर मेरा जो प्रोडक्ट है मेरे को मैन वुमेन दोनों को दिखाना है, तो ऑल पे रखूंगा। किसी एक को दिखाना है तो यहां पर सेलेक्ट कर सकता हूं। एज ग्रुप है जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के हमें पैकेजेस बेचने हैं, तो मैं थोड़ा मैच्योर ऑडियंस लूंगा, 24 साल से लेके 45 साल तक का लूंगा, जो मेजरली डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लिक करा। अब मेरे को अपना एड ऑल ओवर इंडिया में दिखाना है, इसलिए मैं इंडिया चूज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर क्लिक करके दिल्ली या कोई स्टेट मेरे को स्पेसिफिकली चूज करना है तो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये डिटेल्ड टारगेटिंग है डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से, यहाँ पर भी मैं जाके चूज कर सकता हूँ। लाइक मैंने डाला CEO, ठीक है, तो मेरे को CEO क्योंकि कंपनी के डिसीजन मेकर्स होते हैं। मैंने डाला स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सजेशंस भी आ जाएंगे, वो भी मैंने चूज कर लिए। तो ऐसे मैं डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से यहाँ से भी चीज़ों को चूज कर सकता हूँ, तो ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो इसके अलावा जैसे मैं इसको आपको ये बहुत ध्यान से अपना ऑडियंस चूज करना है, बिकॉज सही ऑडियंस ही आपको अच्छे रिजल्ट देता है। मैं जैसे सेव करूंगा, अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर इन एड्स के अंदर जो हम पेज से एड बनाते हैं, खुद फेसबुक जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारे ऑडियंस हैं, विजिटर्स है, उसके अकॉर्डिंगली भी, या जो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी हमारा एड दिखाएगा, जो बेस्ट पार्ट है, और हमारा एड खुद ही ऑप्टिमाइज होगा बेहतर तरीके से। तो दोस्तों यहां पर अगर आपने कोई प्रीवियस ऑडियंस बना रखा है और वो बहुत बढ़िया उसने पहले काम करा था आपके किसी एड में, तो अगर आपने वो ऑडियंस सेव कर रखा है तो यहां से आप चूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहां पर हमारा जैसे URL आ गया, या हमारे पास फॉर्मेट आ गया एड्स के, जैसे सिंगल इमेज ही हमें अपने एड में शो करनी है, वीडियो शो करनी है, क्राउजल स्लाइड शो। मैं आपको वैसे तो वीडियो और क्राउजल्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग या आपको सर्विसेज सेलिंग एड चलाने हैं तो, ठीक है। तो बट सिंगल इमेज में करके दिखा रहा हूँ, सेम ही टाइप से आप क्राउजल कर सकते हो या वीडियो कर सकते हो। तो सिंगल इमेज पे हम क्लिक रहने देंगे, यहां से हम इमेज को अपलोड करेंगे, तो आपका कंटेंट और आपका जो प्रोडक्ट है, वो जो आपके प्रोडक्ट और कंटेंट है वो आपका रेडी रहना चाहिए और अच्छे से आपका सब चीज तैयार होनी चाहिए, वो चाहे कंटेंट हो चाहे आपका डिजाइन हो, हर चीज अगर आप अच्छे से डिजाइन करोगे, बनाओगे सोच समझ के, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, हमने एक इमेज अपनी अपलोड करी, तो यहां पर इमेज एक्चुअल इमेज अपलोड करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो हेडिंग है ये जो नीचे आ रहा है हमारे इमेज के बैनर के, तो यहां पर जो भी आप लिखोगे वो यहां पर शो होगा। ये टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से अपने ऑफर्स USPs वगैरह देना, और इन ऑफर्स और USPs को यहां पर लिखोगे, और ये आप करेक्टर देख सकते हो 90 करेक्टर तक ही आपको करना है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे पहले डेमो के लिए डाल रखा था, तो आपको हमेशा 90 करेक्टर तक का ही बनाना है, ओके।
तो यहां पर आपको 90 कैरेक्टर्स के अंदर ही सारा का सारा ऑफर्स और अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कॉल टू एक्शन पे क्लिक करा, अगर प्रोडक्ट सर्विसेज हैं आपकी, सॉरी अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट के लिए शॉप नाउ का बटन यूज कीजिएगा, जिससे कि कोई यहाँ शॉप नाउ पे क्लिक करे और आपकी साइट पे जाए और जो प्रोडक्ट आप शोकेस कर रहे हो उसको पसंद है तो खरीद सकता है, ठीक है। और बट हमारी तो सर्विसेज हैं तो हम चाहेंगे कि कोई हमें कॉन्टेक्ट करे, हमारे पास इंक्वायरी आए, तो इसलिए हमने कॉन्टेक्ट अस कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो रन दिस एड कॉन्टिन्यूसली का मतलब है कि जैसे ही एड अप्रूव्ड होगा हमारा रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा एड का रिव्यू भी आ रहा है, हम रिव्यू कर सकते हैं क्या क्या हमने चीजें करी हैं। ये हमारा डेली का बजट है, 700 रुपये, 500 रुपये, कम ज्यादा आप खुद मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से डेली, तो यहां पर आप कर सकते हो। अब हम पेमेंट का जो है, हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है उसमें हमारा पेमेंट मेथड एडेड है, तो मैं प्रमोट पे सीधा क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब हमारा एड जो है ये पब्लिश हो रहा है, बन चुका है हमारा ये एड पूरी तरीके से। तो दोस्तों देखिए कितना आसान था, बट एड का कंटेंट डिजाइन ये सब चीजें आपको बहुत सोच समझ के करनी है, ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे ही मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि ये तो हमने पेज से बनाया था, मगर ये पेज से बनाने के बावजूद भी जो हमारा कैंपेन है इसको हम आपको बैकएंड में जाके दिखाते हैं। जो भी आपका एड मैनेजर या बिजनेस मैनेजर अकाउंट होगा, ठीक है, उसके अंदर ये एड ऑटोमेटिकली बैकएंड में आपको दिखेगा, चाहे हमने पेज से बनाया है, हम वहीं से मैनेज कर रहे हैं चीजों को। अब देखिए मैंने एड अभी बनाया, ठीक है, तो ये एड मेरा रिव्यू में आ गया, ठीक है। तो जैसे कि अब चीजें आप देख सकते हो रही हैं, तो इसी को अब मैं अपना जो मेरा एड है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप मेरा एड रिव्यू के अंदर आ गया है। अब मैं इसको पॉज करना चाहूँ पॉज कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फेसबुक पेज के थ्रू एड बना सकते हो और उस पर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने सीखा किस तरीके से हम ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं फेसबुक पेज के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो, क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दोस्तों इसी तरीके से हर टॉपिक, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लगातार हम वीडियोज़ बना रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ हेल्प कर पाएं। आपका बस सपोर्ट चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे हम सबसे पहले आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।